वही बुढ़ारपुर जिले के ग्राम पंचायत बसाड़ में ग्रामीणों का प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम होने के बावजूद कुछ लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही पंचायत द्वारा राशि नहीं दिए जाने को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से इस मामले की शिकायत भी की है। आपको बता दें, ग्राम बसाड़ के कई ग्रामीण कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि सरकार ताल ठोक कर कह रही है कि जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आवास योजना का सच धरातल पर कुछ और ही है। दरअसल बारिश का मौसम होने और आंधी तूफान आने के कारण कच्चे मकान गिरने की हमेशा संभावना बनी रहती है और घरों में छोटे बच्चे भी रहते हैं, किसी दिन कोई भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। भाई, अगर बात करें पक्के मकानों की तो ग्रामीणों के अनुसार आवास योजना सूची में नाम होने के बाद भी पंचायत के द्वारा आज तक मकान बनाने के लिए कोई राशि शासन द्वारा नहीं दी गई है और ना ही शासन द्वारा हमारे गांव में आकर सर्वे किया गया है। योजना से वंचित ग्रामीणों का कहना है कि हम कई बार इसकी शिकायत पंचायत में कर चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया है। हमारी शिकायत यह है कि हम ग्राम पंचायत बसाड़ से आए हैं कलेक्टर कार्यालय में, हम 13 साल से हमारे सूची के अंदर नाम टंगा है पर हमको मकान के प्रावधान मिलने से वंचित है, मतलब। और उसके बाद में जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके 200 फीट दूर से लाइन लगी है, तो जो तार हरे पेड़ पे से कहीं टंगी हुई है, कोई मकान भी टंगी है, तो ये मजदूरी करने जाते हैं, इनके जो बच्चे हैं तो वो पेड़ के अंदर कभी भी करने की अंधेशा है, हमको कभी कुछ होता है। कहाँ रहते हैं आप? हम ग्राम पंचायत बसाड़ से। मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही? हाँ, मूलभूत सुविधा। आपने सरपंच सचिव से शिकायत की? सरपंच बोला दिया चाहिए, हमारे यहाँ बहुत दूर से लेन का कनेक्शन है और बच्चे हमारे घर रहते, घर पे कोई नहीं था, हम सब कांधन पे भी जाते हैं, तो हमको लाइन खंभों का योजना होना। तो जैसा कि हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बुढ़ानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई कुछ और ही दिखती हुई नजर आ रही है। जिले के ग्राम पंचायत बसाड़ में ग्रामीणों का प्रधानमंत्री आवास योजना में सूची में नाम होने के बावजूद कुछ लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही पंचायत द्वारा राशि नहीं दिए जाने को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से इस मामले में शिकायत भी की गई। इसी मामले में अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे बुढ़ानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर। जी गोपाल, हम ये पूछना चाहूंगी कि बुढ़ानपुर जिले के ग्राम पंचायत बसाड़ में ग्रामीणों का प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम होने के बावजूद कुछ लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जहाँ सरकार दावे करती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोगों को आवास मिला है, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। ताजा मामला बुढ़ानपुर का है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, नुकसान बता देना चाहूंगा कि बुढ़ानपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से बसाड़ के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुँच कर जो है गुहार लगा रहे थे, यदि हम बात करें तो भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की, जो लगातार जो है डिंडोरी पीट रही है कि हम जो है प्रधानमंत्री आवास हर घर तक पहुंचा रहे हैं, हर किसान तक पहुंचा रहे हैं, हर गरीब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ बसाड़ में जिस तरह से लोग एक साल से परेशान हैं, जिनका नाम लिस्ट में आने के बाद भी जो है उन्हें राशि मुहैया नहीं कराई जा रही, जिसके चलते कलेक्ट्रेट पहुंचे, अब जो है कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने को मजबूर है। यदि हम बात करें तो इसके पूर्व जो है उन्होंने सरपंच सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की, जिसके चलते उन्हें कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद अब कलेक्ट्रेट पहुंचे। जी मुस्कान, मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है, जो ग्रामीण जिनको दिक्कतें हो रही है, उनके बच्चों को दिक्कतें हो रही होंगी खासकर, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, स्कूल आने जाने में रास्ते भी खराब रहते हैं, वही घरों में भी दिक्कत होती है। निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों को अब चूंकि टूटे फूटे मकानों में और इस प्रकार से रहने के बाद जो आवास योजना का लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा, उनका यही कहना है कि हम जो है छोटे छोटे टपरों में रहते हैं, रात दिन जो है यहाँ पर सांप बिच्छू का डर सताता है, यहाँ कीचड़ और गारे के कारण लोग परेशान रहते हैं, बावजूद जो है हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके कारण आज हमें मजबूरी में जो है कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कब तक जो है इन्हें आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। जी मुस्कान जी, आप बोल रहे हैं कब तक आवास योजना का लाभ देखने को मिलेगा, इससे ये संबंधित ये पूछना चाहूंगी कि कलेक्टर का क्या इसमें कोई जवाब आया है, कोई बयान आया है इससे संबंधित? चूंकि कलेक्टर भव्य मित्तल लगातार जो है
जिले के दौरे पर चल रहे हैं, इसके लिए कार्यालय में नहीं बैठ पाए और जिनसे हमारी चर्चा नहीं हो पाई है। क्योंकि बुरहानपुर जिले में काफी योजनाएं चल रही, जिसके चलते लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा चल रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है इस योजना को किस तरह से गंभीरता से लेते हैं और ग्रामीणों की जो है इस समस्या का हल कर सकेंगे। जी जी, मामले की तह तक जानकारी के लिए धन्यवाद गोपाल। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आवास योजना का सच धरातल पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। यहाँ बुरहानपुर के शहर में बारिश का मौसम होने और आंधी तूफान आने के कारण कच्चे मकान गिरने की हमेशा संभावना बनी रहती है और घरों में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, किसी दिन कोई भी घटना घटित हो सकती है। वहीं अगर बात करें पक्के मकानों की, तो ग्रामीणों के अनुसार आवास योजना सूची में नाम होने के बाद भी पंचायत के द्वारा आज तक मकान बनाने के लिए कोई राशि शासन द्वारा नहीं दी गई है।